ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका चाइना के पास कोई भी जवाब नहीं है, और अमेरिका भी इसको रोक नहीं सकता है क्योंकि दुनिया का सबसे एडवांस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इसके आगे फेल है। ऐसे में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि इतनी घातक मिसाइल जब रशिया और भारत ने एक साथ मिलकर बनाई है तो फिर उसको बस भारतीय सेना ही क्यों इस्तेमाल करती है, और रशिया ने इसको अपनी सेना में किस कमी के कारण डिप्लॉय नहीं किया है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि रक्षा के क्षेत्र में बढ़ती साझेदारी को देखते हुए दोनों ही देशों ने ब्रह्मोस जॉइंट वेंचर को 1998 में शुरू किया था, जिसमें भारत का हिस्सा 50.5% है और रशिया का 49.5% है। ब्रह्मोस मिसाइल को रशिया की P-800 मिसाइल के बेस पर बनाया गया था, जिसकी डेवलपमेंट रशिया ने 1983 में शुरू कर दी थी और इसकी टेस्टिंग 1990 तक शुरू भी हो गई थी। रशिया ने P-800 ओनिक्स मिसाइल को 2002 में अपनी सेना में भी शामिल कर लिया था, जबकि ब्रह्मोस मिसाइल को 2007 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। रशिया ब्रह्मोस मिसाइल के ओरिजिनल वर्जन P-800 का इस्तेमाल करता है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल रशिया की P-800 से कई मायनों में एडवांस्ड है। सबसे पहले स्पीड की बात करें तो ब्रह्मोस की हाईएस्ट स्पीड 3 मैक की है, जबकि P-800 ओनिक्स की स्पीड करीब 2 मैक तक की है। ब्रह्मोस मिसाइल जमीनी स्तर से 3 से 4 मीटर ऊपर तक फ्लाई करती है, जबकि रशिया की P-800 मिसाइल जमीन या पानी के स्तर से 10 मीटर ऊपर तक उड़ान भरती है, जिसकी वजह से दुश्मनों के रडार के लिए P-800 मिसाइल के मुकाबले ब्रह्मोस मिसाइल को ट्रैक करना काफी मुश्किल है। इसी के साथ ब्रह्मोस मिसाइल हाईली मैन्यूवरेबल है, यानी कि अगर ब्रह्मोस मिसाइल का टारगेट अपनी लोकेशन या रास्ता बदल दे तो ब्रह्मोस मिसाइल भी अपना रास्ता बदलकर उसके पीछे निकल जाती है और आखिरकार अपने टारगेट को निशाना बनाती है। लेकिन रशिया की P-800 मिसाइल में ये खूबियां बिल्कुल नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ब्रह्मोस मिसाइल रशिया की P-800 मिसाइल से इतनी ज्यादा एडवांस्ड है तो फिर रशिया ब्रह्मोस मिसाइल को इस्तेमाल क्यों नहीं करता है। इसके 4 मुख्य कारण है और हम बारी बारी चारों कवर करेंगे। सबसे पहला कारण है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल बस भारत में ही मैन्युफैक्चर हो सकती है, क्योंकि इसमें भारत की हिस्सेदारी रशिया से ज्यादा है। ऐसे में रशिया को ब्रह्मोस मिसाइल इस्तेमाल करने के लिए इसको भारत से खरीदना पड़ता, और ऐसा कभी होने नहीं वाला, क्योंकि रशिया कभी भी दूसरे देशों से हथियार खरीदता नहीं है बल्कि बेचता है। और अगर रशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदता तो अमेरिका समेत पूरा वेस्ट ब्लॉक रशिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी का मजाक उड़ाता और ये सवाल उठाता कि उसको अपनी स्वदेशी P-800 मिसाइल पर विश्वास ही नहीं है, जिसकी वजह से रशिया की मिसाइल की सेल पर भी इसका फर्क पड़ता था। दूसरा कारण है कि दोनों ही मिसाइलों की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, और रशिया ने अपनी P-800 मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल से काफी पहले बना ली थी, जिसकी वजह से उसने अपने शिप्स और लॉन्चर्स P-800 मिसाइल के मुताबिक डिजाइन किए थे, जिसमें सालों लग जाते हैं। ऐसे में रशिया को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए नए शिप्स और लॉन्चर्स डिजाइन करके उनकी प्रोडक्शन शुरू से करनी पड़ती, जिसमें काफी पैसा खर्च होता, और रशिया की कमजोर अर्थव्यवस्था को देखते हुए ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था। तीसरा कारण है कि जब शुरुआत में ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन शुरू हुई थी तब इसकी रेंज बस 300 किलोमीटर तक की थी, क्योंकि तब भारत MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम का हिस्सा नहीं था। वैसे 2016 में भारत MTCR का हिस्सा बन चुका है, और उसके बाद अब ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को भी 500 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। आखिरी और सबसे बड़ा कारण है कि रशिया ने ब्रह्मोस और P-800 मिसाइल की सुपरसोनिक स्पीड से कई गुना ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है। ऐसे में रशिया को अब इन दोनों ही मिसाइलों की जरूरत नहीं है। जो भी हो, ब्रह्मोस मिसाइल तो भारत और रशिया की दोस्ती का प्रतीक है, जो रशिया ने भारत को चाइना पर लगाम लगाने के लिए एक तोहफे के रूप में दिया था, जो कि अपना काम ब्रह्मोस मिसाइल आज भी बखूबी कर रही है, क्योंकि चाइना आज भी ब्रह्मोस मिसाइल से उतना ही खौफ खाता है जितना आज से 15 साल पहले। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।